हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीज क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे डीडीए परीक्षा 2020 जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ये पार्ट टू है। हम पार्ट वन में भी 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं, तथा हम वह क्वेश्चन करेंगे जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं, दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण और तिमाही गति के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैनिक गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। जिन क्वेश्चनों का आंसर आपको आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तथा हम इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे, तथा 50 क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, सबसे छोटा ग्रह है मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, अगुरहास तारा किस महासागर से बनती है? प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से, आर्कटिक महासागर से, अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर से। क्वेश्चन नंबर फाइव है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ता का, लोहा और निकेल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा और निकेल का। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसी संघ। क्वेश्चन नंबर सेवन है, निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसाका। क्वेश्चन नंबर नाइन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, व्योम चंद्र बनर्जी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर दस है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई, अन्य। तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ये हम टोटल 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया? आशास के संस्थान ने, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने और अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, सिंधु, कोसी, गोदावरी। तो राइट आंसर है नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 13, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने, अन्य। तो राइट आंसर हो जाएगा सेबी ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी, गंडक, दामोदर नदी, यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, केटोनम, कंडनकुलम परमाणु संयंत्र, वन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूनाइटेड किंगडम
यूके में शामिल है। इंग्लैंड व उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड व वेल्स, स्कॉटलैंड व वेल्स, ए व डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। क्वेश्चन नंबर 18, आगरा शहर की स्थापना किसने की, किसने बसाया था, सिकंदर लोधी ने, अकबर ने, बहलोल लोधी ने, शाहजहां ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है, पुराण से, जातक से, मुंडकोपनिषद से, महाभारत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 20वां है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हयोर, ग्लाइफिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राही। ये हम टोटल 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। हम टोटल इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तथा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। सो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 23 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। क्वेश्चन नंबर 25 है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गांधी को अंतरंगा फकीर किसने कहा था, हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चित ने, माउंटेन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, महात्मा गांधी, क्वेश्चन नंबर 27 है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसके अधिक प्रभावित होते हैं, हुए थे, वर्णसो ने, लियो टॉल्स्टॉय ने, कार्ल मार्क्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का राइट आंसर है, देखते हैं सो आंसर पर क्लिक करिए, लियो टॉल्स्टॉय ने। क्यों, इस वीडियो में हम केवल 30 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि थोड़ी गले में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आगे क्वेश्चन बदलने में तकलीफ हो रही है। सो आज इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन ही करेंगे। अगली वाली वीडियो आएगी तो उसमें हम आगे 50 क्वेश्चन और इसके 20 क्वेश्चन यानी 70 क्वेश्चन करवा देंगे। सो अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1869 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक के और लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 30 है, थोड़ी आज प्रॉब्लम हो रही है इसलिए हम 30 क्वेश्चन ही करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा की सहायक नदी नहीं है, सुवर्णरेखा, सोन, गंडक, कोसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुवर्णरेखा। सो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं। हमारा टारगेट तो 50 क्वेश्चन करवाने का था लेकिन हमने 30 क्वेश्चन किया है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अब आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लेकिन हम जीके की वीडियो लाएंगे। इसके साथ साथ ही आपके पास हिंदी रेडियो एग्जाम को लेकर हिंदी की रीजनिंग की भी वीडियो लेकर आएंगे। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए। धन्यवाद।